दोस्तों ये देखिए इतनी छोटी छोटी चप्पल, बताइए किसके लिए है। देखिए कितना क्यूट है। बहुत छोटा छोटा है, मान के चलिए 1 साल से 1.5 साल का बच्चे का होगा। 7-8 महीने बताइए क्या करेंगे। पूजा करेंगे इसका। बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत ये भी सुंदर। एक पागल तो देखे होंगे आप लोग, तो एक पागल ये भी देख लीजिए, सुंदर लग रहा है तो खरीद ली है। बताइए किन्ना आता, बड़ा बड़ा कीनते तो कितना अच्छा लगता। बड़ा नहीं मिला तो क्या करे, अपने छनछन के लिए सोचे खरीदे तो छनछन को तो होगा नहीं, उसके तो आधे गोड़ भी नहीं घुसेगा। तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, हम किसी को दे देंगे, जो हमारे गांव में कोई छोटा बच्चा होगा उसको दे देंगे। वैसे भी मेरी गुरुजी जो है ना, गुरुजी उनके 2 बेटियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी है। मैं सोच रही हूँ उनको दे दूँ, क्योंकि दोस्तों ये मुझे बहुत पसंद आ गया था। सच बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे खींच रहे थे, ऐसे खींच रहे थे, मैं बोली नहीं जाऊंगी, वही मैं बैठ गई। कसम से बता रही हूँ, अगर उस समय कोई और रहा होता, वीडियो बनता तो मजा आ जाता, लेकिन तो वीडियो हम नहीं इसके लिए बनता। थोड़ी ना खींच रहे थे, किसके लिए खींच रहे थे बताइए, वो जो किसके लिए खींच रहे थे बताइए। दोस्तों आप जो ₹300 में 400 सूट के लिए खींच रहे थे। दे रहा था 300 में 4 सेट, सलवार समीज दुपट्टा उसके लिए। मैं सोची ना दोस्तों, दो दो चार चार दस दस बार अगर वीडियो ही बना लूंगी तो तर जाएगा। ये मुझे ऐसे ऐसे घिंच रहे थे, ऐसे घिंच रहे थे, एकदम घिसरा अरे रहे। दोस्तों चूतिया बनाते हैं लोग, वो 100 रुपये में 3 गो बेचते हैं गोरखपुर में। यहाँ 4 बेच रहा था 300 में, लेकिन वहाँ 100 गोरखपुर में 100 ठो 2 बेचते हैं, कभी जैन नहीं बिकता है तो 2 ठो बेचते लेकिन सच हैं। में अच्छा था यार, अरे वो देखने में खाली देखने कहा में क्या, मैं बताऊँ। खोल के देखी थी अरे उसको। अब कहा बताऊँ दोस्तों, देखिए पूरा मार्केट घूम के लाए हैं छनछन के लिए। अब इससे बड़ा नहीं था, अभी जेस्ट के देखिए लेके आ रहे हैं। कहे ना हो, अभी गए हैं उतना दूर से खरीद के लाए दोस्तों, हैं। आप बताइएगा हो गए चंचन को हो जाएगा जी, बड़ा है। 80-1 लाख नहीं था। नहीं सी अगला बच्चों के लिए था ना सर, समझ रही हैं। फाइनली दोस्तों हम लोगों का तैयारी हो चुका है, और अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा सामान रेडी हो चुका है। दो बैग बाहर है और हम लोग अभी निकल अंदर रहे हैं और जा रहे हैं हम लोग अपने बच्चों के अपने पास, बच्चों के पास, अपने घर अपने पे घर। जा रहे हैं। दोस्तों बहुत थक गए हैं, बहुत भाग दौड़ बहुत ज्यादा हो गया हम लोग, और बहुत दोस्तों हालत खराब हो गया, एकदम थक के चूर बस अब गए। सोच रहे हैं कब कब घर ट्रेन आ जाए, जाए और कब हम लोग घर चले जाएं। कब झड़ जाए, कब घर की दाल रोटी चावल खाएं। सही बात है, खाना नहीं बन रहा है यहाँ दोस्तों से। कसम से बता रहे हैं, घर का अगर दाल चावल अचार ही मिल जाएगा रिया खाद का ना, तब भी हम लोग का पेट भर जाएगा। दोस्तों जब से हम लोग आए तब से शुद्ध खाना नहीं मिला है, खाने का एकदम परेशान हो गए खाने की वजह से। दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं, हर जगह का खाना अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ का तो पता नहीं, यहाँ पे मिर्च। हाँ दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे है, हरा मिर्ची नहीं मिलता है, मोटा मोटा मिलता है, खूब बड़ा बड़ा जैसे लगता है भरुआ मिर्चा, वो तीखा नहीं रहता है, शिमला मिर्च की तरह रहता है, वही सब डालते हैं, थोड़ा भी तीखा नहीं। और हम लोग यूपी वाले जो हैं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम लोग थोड़ा तीखा और चटपटा खाने वाले होते हैं, तो सादा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए तीखा ना हो, नमक कम हो, मसाला कम हो, तो ऐसे थोड़ा सा ये होता है। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन, और स्टेशन पर अभी ट्रेन हमारी 6:05 पे है, और हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी 1 घंटा पहले। और स्टेशन देख सकते हैं आप लोग, पूरा खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पे सारा हमारा टीम है, हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं, यहाँ महादेव जी किसी से बतिया रहे थे, नमस्ते प्रणाम महादेव। और यहाँ पे दोस्तों कुछ हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए थे, जो नेपाल से थे, बैरावा से, और कुछ बाहर भी मिल गए थे दोस्तों। नहीं ऐसी बात नहीं है, आपका बोलो तो दिखा दूँ, रुमाली से मुझ तोपला करखा लगा घूम पे। हाँ तो दोस्तों देखिए हंस रहे हैं, और यहाँ पे एक ट्रेन रुकी है, सोच रहे हैं दोस्तों जा करके उसी ट्रेन में बैठ जाए, जहाँ जहाँ लेके जाएगी। चलिए बने रहिए, चलिए चला जाए कुछ लेने। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, कुछ 10 मिनट का समय है, बाहर जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, लेने के लिए, नहीं तो पता चलेगा उस दिन की तरह हम लोग आज भी भूखे रह जाएंगे। और ट्रेन का सामान तो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, जानते ही आप लोग, तो चलते हैं बाहर कुछ खाने के लिए लेंगे, और बस बाहर जा रहे हैं। फाइनली हम लोग आ गए स्टेशन पे अपने, हम लोग बैठ गए दोस्तों, और दोस्तों यहाँ सीट के मिला साथ हो गया है, हमारी एक सीट दूसरे बोगी अलग में है और एक सीट अलग है दोस्तों, एक सीट दूसरे बोगी में है, एक सीट दूसरे बोगी में, 16 नंबर है एक सीट, और एक 63 नंबर है, 63 नंबर B3 में दोस्तों दिखा रहे हैं आपको सीट। चलिए ठीक है, क्या दिखाएंगे, 63 नंबर है, देखिए दोस्तों एक 63 नंबर है और एक 16 नंबर है। तो
तो फाइनली दोस्तों यहाँ देखिए हमारे महादेव जी खाना ऑर्डर किए थे, स्पेशल थाली है दोस्तों। इससे पूछा गया है खाने में क्या क्या है, तो बोला है मटर पनीर है, वेज सब्जी है, और दाल है, रसगुल्ला है, चावल है, रोटी है। तो दोस्तों आपको दिखा देते हैं, अचार रहा, ये सलाद रहा, ये क्या है, ये दाल है, मटर पनीर कहाँ है, मटर पनीर है, पनीर या कहाँ, मटर मिल गया, मटर मिल गया, ये मटर मिल गया है, और पनीर नहीं मिल रहा है दोस्तों, उड़ गया पनीर, उड़ गया वो क्या है, नहीं पनीर मिल गया, पनीर मिल गया दोस्तों, यहाँ पे पनीर भी मिल गया, पनीर है, हाँ एक तो पनीर मिल गया, देखिए दोस्तों, हाय रसगुल्ला, ये रसगुल्ला है दोस्तों, उठाइए खा के लाइल बकाया था, इधर पेठा है, पेठा है, तो खाइए मजे लीजिए खाने का, एक बाइट लीजिए और बताइए कैसा है, बस यही सोच रहे हैं कि क्या कुछ सोचिए उचिए नहीं, ये अन्न महाराज है, इनको प्रणाम करिए और खाइए, खाने में भी स्वाद आना चाहिए भैया, खाइए आप ट्रेन में हैं, खुश हो जाइए क्या होगा दोस्तों, इससे बढ़िया कोई कॉफी पिला दिया हो, मुंह का एक्सप्रेशन देख सकते हैं आप लोग, अरे बात जय हो यार दोस्तों सुबह हो चुका है, यहाँ पे नाश्ता कटाई हो रहा है, यहाँ पे नाशपाती, सेब और केला, और ये है मेरे, बहुत तेज सर्दी हुआ है इसलिए हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा केला वाला खा लेते हैं, सही हो जाएगा, तो इसके लिए केला खा रहे हैं, अच्छा सर्दी हुआ है तो इसके लिए केला खा रहे हो, जल्दी सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसी वाला है अक्सर जान जाहिर सी बात है सर्दी तो होना ही है, और दोस्तों आप लोगों से बताना चाहते हैं कि ये बैठ के तीन चार केला भी खा चुकी हैं, देखिए चार पांच को सेव भी खा चुकी हैं, और अभी हम काट रहे हैं, आए खा रही है, और हम लोग दोस्तों आप लोगों से बता दें, हम लोगों को बरस वरस सब अंदर रखे हुए हैं, और सामान ज़्यादा सामान बाहर नहीं निकाले दोस्तों, इसलिए ना कि हमें लगा था कि हम लोग सुबह में चौंप जाएंगे, हम लोग सोचे कि सुबह में चौंप जाएंगे, जैसे उस दिन जब हम लोग आए चढ़े थे तो भोर में चढ़े थे तो भोर में उतरे थे, तो हम अभी शाम को चढ़े तो शाम को उतरेंगे ना, तो हमें लगा कि हम भोर में उतर जाएंगे, ऐसे सब प्लान पूरा ऐसे बना था, 22-23 घंटे का रास्ता है, अब हमें पता ही नहीं था दोस्तों, उसके बाद जब पर लोग शाम को उतरेंगे तो ये पता नहीं कौन सा स्टेशन है, लमसम कोई स्टेशन ही होगा, बड़ा तो है, तो दोस्तों हम लोग बहुत परेशान हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कब उतरेंगे, कब क्या होगा, अभी ट्रेन पे घर बच्चे बार बार फोन कर सबसे कह दिए थे कि सुबह में उतरेंगे हम लोग, और अभी जाके सुबह बच्चे स्कूल नहीं गए, हाँ अभी बच्चे बच्चे सब स्कूल नहीं गए, सुबह से फोन कर रहे हैं कि कब आ रहे हैं पापा, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, तो चलिए दोस्तों जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, अब क्या किया जा सकता है, चलिए अब हम सेब खाते हैं, आप लोग नाश्ता करिए।